एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, क्लास 8, अपने कंसाइज मैथमेटिक्स में से। देखिए, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 कर लिया हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और उसमें हमने सारा कंसेप्ट भी समझा था स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम स्क्वायर में 2-2 के पेयर्स बनाते हैं, वैसे हम क्यूब में 3-3 के पेयर्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ। हमें किसका क्यूब निकालना है? 7 का क्यूब। मीन्स अगर हमें इसका क्यूब निकालना है, इसकी पावर क्या लिख देंगे? 3। स्क्वायर में हम क्या लिखते थे? पावर 2। अब इसकी पावर हो गई 3। इट मीन्स इस नंबर को हम 3 टाइम्स क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 7 7 ज़ा 49 49 7 ज़ा 343। बस आपको क्या करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 11 का क्यूब, मीन्स 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 11 11 ज़ा यहाँ पे आ गया आपका 121, एंड देन 11 से मल्टीप्लाई करके 1331। चलिए अब 16 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब निकालना है सॉरी। 16 का क्यूब क्या हो जाएगा? 16 × 16 × 16। हमारा आंसर आ गया 4096। 23 का भी क्यूब फाइंड कर लेते हैं। सिंपल, आपको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाई, क्योंकि आई नो वो सारे स्टूडेंट को आती है मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, हम सीधा इनके क्यूब्स लिख रहे हैं। 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर आएगा। अब 31 को कर लेते हैं, 31 × 31 × 31। हमारा आंसर आ गया 29791। 42 का क्यूब क्या हो जाएगा? अगेन सेम 42 × 42 × 42। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 7408। देन 54 का क्यूब, जिसका भी आपको क्यूब निकालना है, बस आपको उस नंबर को 3 टाइम्स क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। पहले 54 को 54 से कर लेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको अगेन हम कर देंगे 54 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स के आंसर। अब समझना हमने सेकंड क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अब देखिए, हमने ये समझा क्यूब कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। अब हमने देखना है, कोई नंबर हमें गिवन एक नंबर दे दिया है, क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब वो कैसे देखते हैं? आपको क्या करना होता है, जो भी आपके पास गिवन नंबर होगा, सबसे पहले आपको उसके फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स। देन सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये नंबर 2 के टेबल में तो जा नहीं सकता, 3 के टेबल में करते हैं। 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, अगेन 3 पे जा सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 बच के कैरी 21। 3 7 ज़ा 21। 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, और यहाँ पे आ गया 3 1 ज़ा। अब किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब होने के लिए, जैसे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसको 2-2 के पेयर्स होने चाहिए थे, परफेक्ट क्यूब होने के लिए आपके पास 3-3 के पेयर्स होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये 3 का एक पेयर पूरा बन रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ 2-3 बच रहे हैं, हमारे पास एक और 3 होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 243 = 3 × 3 × 3। पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स इसके सामने लिख देते हैं, लिखती है। अब यहाँ पे ये बन गया आपका एक पेयर, ये पेयर नहीं बना तो हम क्या लिख देंगे? नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें 3-3 के पेयर्स नहीं बने। तो हमने लिख देना है नो, 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमें करना है 588 को देखना है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगेन हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा, अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा। अब 7 के टेबल में जा सकते हैं, 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, देन चला गया 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे देखिए, हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? 2 × 2 7 × 7 × 3। किसी के भी 3 नंबर्स नहीं बन रहे, ये भी सिर्फ 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, और यहाँ पे सिर्फ 3 एक ही बार आ रहा है, तो 3 पेयर्स बने ही नहीं किसी के। तो 588 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट, 3
1331। अब देखिए तो 11 के टेबल में जाता है, कुछ नंबर तो आपको सीधा लर्न ही कर लेने हैं। देखिए ये नंबर जाता है 11 के टेबल में क्योंकि 11 का परफेक्ट क्यूब होता है। सबसे पहले 11 121 जा, 11 वन जा एंड 11 वन जा, तो यहाँ पे पेयर बन गया। तो हम क्या लिख देंगे, 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे 212 जा, पीछे 0 एज इट इज, 26 जा, 23 जा, 21 जा, 225 जा 10 हो गया, 27 जा, देन अगेन 23 जा 6 हो जाएगा, 27 जा, 25 जा। अब देखिए ये नंबर किस टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में भी जा सकता है ये नंबर। सबसे पहले 3 पे कर लेते हैं, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 फाइव जा। अब ये नंबर किस पे जा रहा है, 5 के टेबल में, 5 25 जा, देन 5 फाइव जा एंड 5 वन जा। तो अब देखिए हमने सबसे पहले देखना है हमारे पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे ये 2 का पेयर 3 आ गए, ये भी बन रहे हैं और ये भी बन रहे हैं, बट इस 3 के कारण पेयर बना ही नहीं, एक भी नंबर नहीं रहना चाहिए, आपके सबके पेयर बनने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है 3 टाइम्स, एक और पेयर हमारा आ रहा है 2 रेज टू पावर 3, ये दो पेयर्स आ रहे हैं, फिर 5 की भी पावर 3 आ गई, बट ये 3 हमारा एज इट इज़ रह गया। तो इट मीन्स 24,000 जो है हमारा वो भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 24,000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब के लिए जैसे देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट पेयर बना था, सबके पेयर 3-3 के पेयर्स बनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 2 0 ले लिया क्योंकि 16 हमने लेना था, 2 8 जा 16, देन अगेन 2 पे जा सकते हैं अभी भी, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब देखिए ये पेयर बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इसमें सबके पेयर बन गए, तो इट मीन्स 1728 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। जिसके 3-3 के पेयर बन गए उसको आपने लिख देना है कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12, देन 2 9 जा। अब 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 3 जा, 3 2 जा एंड 3 3 जा। उसके बाद ये नंबर अब 3 के टेबल में तो आगे जा ही नहीं रहा, अब ये जाएगा सीधा 17 पे, 17 19 जा, देन 19 1 जा। अब आगे बिल्कुल नहीं सॉल्व हो रहा और आप देखिए पेयर भी किसी का नहीं बन रहा क्योंकि हमारे इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 into 3 इंटू 17 इंटू 19, किसी भी नंबर का कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो हम क्या लिख देंगे, 1938 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये नंबर भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक अच्छे से समझ आ गया है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सॉल्व, एग्जैक्ट आपको सेम उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 को भी करना है, सिंपली आपको क्यूब फाइंड करने हैं। मींस अगर मुझे इस नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। मींस इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जहाँ डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना होता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। कुछ स्टूडेंट ना इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करें, पॉइंट्स वाले नंबर को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया करो, जैसे 21 इंटू 21 441 आ गया, देन अगेन उसको 21 से मल्टीप्लाई कर लो। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9261। अब हमें लगाना है डेसिमल, कहाँ लगाएं, पीछे 1 डिजिट है, 1 2 3, टोटल कितने डिजिट हो गए, 3, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। देखिए जैसे मैंने इसका क्यूब किया, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या होता है 64, मैंने सीधा लिख दिया, कोई डेसिमल नहीं हटाया, कोई कुछ नहीं किया,
अब हम काउंट करते हैं अपने डेसिमल नंबर 1, 2, 3, टोटल 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 1, 2, 3 डिजिट के लिए अपने एक जीरो लगा ली और डेसिमल लगा दिया, वेरी सिंपल। अब इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, 1.6 × 1.6 × 1.6। अब आपको क्या करना है, सिंपली 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ गया 4096। डेसिमल कैसे लगाएं, 1, 2, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। मैं आपको एक बार डेसिमल हटा के कैसे करते हैं वो भी समझा देती हूँ, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे करने की। देखिए डेसिमल हटा के करना होता है ऐसे, जैसे नीचे 10 आ गया, इसके नीचे भी 10 आ गया, इसके नीचे भी 10 आ गया, 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया ये नंबर, 10 को 3 टाइम्स किया, 1000। फिर से डेसिमल ही लगाना पड़ना है हमें, देखिए पीछे 3 0 है, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो हम सीधा भी कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करते ये नंबर आना था, 1, 2, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, इसलिए हमें ये हटा के करने की डेसिमल कोई भी नीड नहीं है। तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं कैसे, जैसे हम अभी कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th पार्ट है, 0.12 का हमें क्यूब फाइंड करना है। क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अगेन, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 12 × 12 × 12। अब हम 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1728। हमें करना था डेसिमल भी लगाने हैं, वो क्या करें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऐसे नहीं लिखना इसको क्योंकि हमें डेसिमल लगाना था, तो पहले ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो इसका ये आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ 12 का क्यूब है, तो हमें क्या करना है, ये आंसर लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट छोड़ के हमने लगा दिया डेसिमल। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, हम सबको पता है 8 ही आएगा। अब डेसिमल बताइए कितने डिजिट छोड़ के आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, इजी मेथड, बहुत सिंपल है, आपको डेसिमल रिमूव भी नहीं करने पड़ने और आंसर भी इतना इजी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 × 8 = 64, और 64 × 8 = कितना आ गया आपके पास, 512। अब आपको कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाने हैं, 1, 2, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताया कीजिए। चलिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन फाइंड द क्यूब ऑफ, बस जब भी आपको किसी चीज़ का क्यूब निकालना है, सिंपल सा इजी सा मेथड है, हमें क्या करना होता है, अपने गिवन नंबर के ऊपर पावर डाल लेनी होती है 3, और जो भी हमारा गिवन नंबर होता है उसको 3 टाइम्स करना होता है मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्वेश्चन था फ्रैक्शन में, डोंट वरी अगर फ्रैक्शन में भी है तो हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9, 3 × 27, और नीचे 7 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो वेरी सिंपल मेथड, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपको क्यूब आए चाहे वो फ्रैक्शन का निकालना है चाहे डेसिमल का, बस आपको आपके गिवन नंबर को जो भी आपको दिया हुआ है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग क्यूब। अब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आप सबको क्या करना है, एटलीस्ट 10 तक तो क्यूब्स लर्न करने ही करने हैं सबके, जैसे हम स्केयर्स लर्न करते थे, स्केयर तो सब बच्चों को 20 तक आने ही चाहिए और क्यूब्स भी 10 तक लर्न होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 1000, और 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 2197। अब यहाँ पे जो हमारा गिवन नंबर है, सबसे पहले वो तो है मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें इम्प्रॉपर बनाना होगा, तो 7 × 7 + 2 = 9/7। अब हमें इसका क्यूब फाइंड करना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और नीचे 7 को भी, मीन्स 9/7 को, अपने पूरे फ्रैक्शन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे भी लिख देंगे, निकालना तो हमने क्यूब ही है ना, इसी का क्यूब फाइंड किया है, तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 729, और 7 का क्यूब क्या होता है 343, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नंबर का हमारा यही परफेक्ट क्यूब है, चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। अब इसका क्यूब फाइंड करना है, 2 × 2 = 4 + 1 =
फाइव ओवर टू इसका क्यूब करना है, मीन्स फाइव ओवर टू को आपको थ्री टाइम्स करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइव का क्यूब होता है 125 और टू का क्यूब होता है 8। अब अगेन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपके पास आ गया 15 5 ओवर 8। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द क्यूब्स। अब अगेन हमें क्यूब ही फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप देखिए आपको -3 का क्यूब फाइंड करना है, विच मीन्स -3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी है, 3 3 9 3 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। वैसे भी आपको ये पता ही है कि जब भी आपका बेस नेगेटिव होता है तो अगर हमारे पास पावर ओड नंबर में है, जैसे यहाँ पे पावर अगर 2 हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अगर पावर ओड नंबर में है तो हमारा आंसर भी ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। सिंपली आपको -7 को यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 का क्यूब आप सबको पता ही है 343, और साथ में माइनस आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमने सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही कर लेने हैं, 12 का वह क्यूब निकालना है, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई साथ माइनस आ गया, 18 का क्यूब 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस लगा देना है, फिर 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया माइनस लगा दिया, 30 को कर लिया, 30 को सिंपल हम 3 3 9 3 27 कर सकते हैं और पीछे 3 जीरोस लगा दी और साथ में माइनस। ऐसे ही आपको पता है 5 का क्यूब होता है 125, पीछे मैंने 3 जीरोस लगा दी और साथ में माइनस आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यूब्स दिए हुए हैं ऑलरेडी किसी नंबर का क्यूब। जैसे आपको सबको पता है कि 216 आपका 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे हमें किसी ना किसी नंबर के क्यूब्स दिए हैं और हमसे पूछा है इनमें से कौन से क्यूब ऑड नंबर के और कौन से इवन नंबर के हैं। हमें बिल्कुल भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना नहीं है, बस एक रूल याद रखना है, क्यूब्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर अगर ओड नंबर है तो उनका क्यूब भी ओड होता है, इवन नंबर है तो उनका क्यूब भी इवन होता है। अब आप देखिए इनमें से कौन से नंबर हमारे ओड नंबर्स के क्यूब हैं, तो सबसे पहले ये हमारा एक ओड नंबर आ गया 729, देन ये भी ओड नंबर है, उसके बाद दिस इज ऑल्सो अ ओड नंबर, 343 भी हमारा ओड नंबर है, एंड 9261 भी ओड नंबर है। इट मीन्स ये सारे क्यूब्स किसी ना किसी ओड नंबर के क्यूब हैं, और इवन नंबर्स के क्यूब कौन से होंगे, 216, 8000 एंड 4096। सिंपल, आपको सॉल्व नहीं करना, बस आपको याद रखना है अगर कोई ओड नंबर है तो उसका क्यूब भी ओड होता है, इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी इवन ही होता है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1323, ये जो नंबर है हमारा 1323, मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है, लीस्ट नंबर, जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें और ये नंबर बन जाए एक परफेक्ट क्यूब। चलिए सबसे पहले जब भी आपको ये फाइंड करना होता है तो आपको जो आपका गिवन नंबर दिया होता है उसके निकालने होते हैं प्राइम फैक्टर्स। हम इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर सबसे पहले, तो देखिए 3 के टेबल में जा सकते हैं, सबसे पहले 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12, देन 1 अगेन 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1 3, यहाँ पे कितने बच गए आपके पास, 14 हो गए 1 कैरी के कारण, 3 4 12 एंड 3 7, अगेन 3 के टेबल में जा रहा है, 3 यहाँ पे 4 12 27 3 9 7 7 एंड 7 1। अब आप देखिए यहाँ पे पेयर बन रहा है और 7 अगर हमारे पास 1 और 7 होता तो उसका पेयर बन जाता। अब आपको इसको लिखना कैसे होता है, सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके प्राइम फैक्टर्स आपको उसके सामने एज इट इज़ लिख देने हैं। अब देखिए हमें पता चल रहा है कि 7 वो नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो हमें क्या लिख देना है, 3 1 3 2 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 7 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये मल्टीप्लाई होकर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि आपको परफेक्ट क्यूब नंबर बताना भी है तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं,
जो आपका गिवन नंबर है 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। पर हमसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ हमें लीस्ट नंबर ही बताना था जिससे मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे क्यूब पूरे हो जाएंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, मस्ट बी मल्टीप्लाई, अब आ गया मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कि जो हमारा क्वेश्चन था, जब इसको हम उससे डिवाइड कर दें अपने स्मॉलेस्ट नंबर से, जो हमारा आंसर आए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। अगेन आपको प्राइम फैक्टर्स ही निकालने, सबसे पहले 2 के टेबल में हम कर लेते हैं इसको। देन हमारे पास आ गया यहाँ पे, अभी भी 2 के टेबल में जा सकते हैं, जहाँ पे 0, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, देन यहाँ पे आ गया 2 8 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 7 जा। अब 137 एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में जाएगा ही नहीं, तो सीधा ही 137 1 जा 137। अब आपने देखना है यहाँ पे, देखिए इनका पेयर बन रहा है, इनका पेयर बन रहा है, तो कौन सा नंबर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है ये नंबर। अगर हम इस एक्स्ट्रा नंबर को डिवाइड कर दें इससे, तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, सिर्फ ये नंबर। तो ये तो परफेक्ट क्यूब बना ही रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, 137 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें चाहिए था, और किससे डिवाइड होना चाहिए, मस्ट बी डिवाइडेड बाय दिस। इस नंबर से अगर हम 137 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस बी मल्टीप्लाई। अब अगेन मल्टीप्लाई आ गया, अब तो आपको ये क्वेश्चन आता ही है कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और इसको देख के हम पता चल रहे हैं 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 9 जा, 3 2 जा, 3 6 जा, 3 1 जा, अगेन 3 के टेबल में 3 3 जा, यहाँ पे 0 ले लेते हैं क्योंकि दोनों नंबर लेने हैं, तो 3 8 जा एंड देन 3 7 जा, 3 1 जा, 0 एज इट इज, 3 2 जा एंड 3 9 जा। अब यहाँ पे भी जा सकता है ये, 3 3 जा, 3 4 जा एंड 3 3 जा। 7 के टेबल में जो नंबर जाता है ये हम सबको पता है कि ये 7 का परफेक्ट क्यूब है, तो 7 49 जा एंड अगेन 7 7 पे चला गया। अब देखिए हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स इजीली फाइंड कर लिए। अब इनका और इनका, 3 और 7 दोनों का पेयर बन रहा है, पेयर किसका नहीं बन रहा, ये इस वाले 3 का। अब क्वेश्चन में था किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ के, यहाँ पे हमारे पास इसका पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो आपका आंसर क्या है, योर आंसर इज 9, क्योंकि हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो बार 3 लेने पड़ेंगे तब ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट दिस बी डिवाइडेड। किससे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। अगेन आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने होते हैं, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 0 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 0, 2 8 जा, क्योंकि 16 लेना था ना एक साथ, तो हमारे पास एक 0 लगानी है हमने। देन अगेन 2 पे जा रहे हैं, 2 2 जा, 2 7 जा, 14 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। अब देखिए ये नंबर किस टेबल में जा सकता है, 3 के टेबल में जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 जा एंड 3 5 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, और यहाँ पे आ गया 3 मतलब 5 1 जा 5। तो अब हमारे पास देखिए पेयर इसका बन रहा है, इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा, 5 का। तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 से। अब यहाँ पे हमने ऐसे शो कर देना, देखिए इसका भी बन गया, ये हमने लाइन बना दी कि पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी एक पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी किसका पेयर नहीं कंप्लीट हुआ, ओनली 5 का। तो हम लिख देंगे हमारा जो नंबर है 8640 मस्ट बी डिवाइडेड, किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इससे हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट क्यूब। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक दिस इट अ परफेक्ट क्यूब। इसको क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है हमें। तो
तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले थ्री के टेबल में जा सकते हैं, थ्री टू ज़ा वन कैरी 17, देन थ्री फाइव ज़ा टू कैरी 21, थ्री सेवन ज़ा थ्री टू ज़ा एंड थ्री फाइव ज़ा। अगेन थ्री के टेबल में जा सकते हैं, थ्री एट ज़ा 24, वन कैरी 17, थ्री फाइव ज़ा वन कैरी मतलब टू कैरी हो गया 22, थ्री सेवन ज़ा और थ्री फाइव ज़ा। और यहाँ पे ये सीधा फाइव के टेबल में जा रहा है, थ्री के टेबल में नहीं जा रहा, फाइव वन ज़ा 35, फाइव सेवन ज़ा अगेन फाइव वन ज़ा फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव फोर ज़ा और यहाँ पे फाइव थ्री ज़ा। सेवन के टेबल में ये नंबर तो आपको याद ही हो गया अब तक कि सेवन के टेबल में ही जाता है। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए इसके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पेयर बन गया सेवन का। अब पेयर किसका नहीं बना, यहाँ पे थ्री का भी नहीं बना और फाइव का भी नहीं बना। हमें तक किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए परफेक्ट क्यूब। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको थ्री टाइम्स थ्री होना चाहिए और यहाँ पे फाइव का पेयर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे टू थ्री हैं और टू ही फाइव हैं, तो इट मीन्स आपको एक थ्री और एक फाइव और चाहिए। तो इट मीन्स थ्री इंटू फाइव दैट इज़ 15। तो आपका आंसर क्या आएगा, 15। तो आप क्या लिखेंगे, आपका ये गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय थ्री इंटू फाइव दैट इज़ 15। 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ आज हमने अपने एक्सरसाइज 4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं, हमें क्यूब कैसे फाइंड करने हैं किसी भी गिवन नंबर के और कैसे चेक करना है कि गिवन नंबर वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं किसी नंबर का। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 4B नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।